रूरल अर्बन माइग्रेशन एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जब हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर द पेपर दैट हैज बीन रिटन बाय सर बाई लीफर्स तो उसमें उन्होंने बेसिकली डिफरेंशियट किया था कि जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर की वेज होगी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली थर्टी परसेंट हायर देन दी दैट प्रिवेल इन द अर्बन सेक्टर लेकिन जब हमने रिसेंट ईयर्स में ये सारा फिनोमि ऑब्जर्व किया तो हमें कुछ ये पता चला ये जो डिफरेंस है बिटवीन रूरल अर्बन वेजेस का ऑलमोस्ट आप कह लें अराउंड थ्री हंड्रेड परसेंट या टू हंड्रेड परसेंट के करीब है बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज डिफरेंस इन द वेजेस दैट दैट एग्जिस्ट बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया तो इसने बेसिकली रिजल्ट इन किया माइग्रेशन एट अ वेरी हाई रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो माइग्रेशन इज बेसिकली यहां पर माइग्रेशन किस चीज की हो रही है कि बेसिकली वी आर देर इज अ माइग्रेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड फ्राम रूरल टू अर्बन एरियाज और जो इन टू थाउजेंड एट इन दस्ट टाइम इन द्यूमन हिस्ट्री नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया आपके पास लेस हो गए दैन द अर्बन एरिया फिर जब हम हम कहते हैं देर इज अ माइग्रेशन फ्राम रूरल टू अर्बन एरियाज जो आपके पास इमिजिएटली माइग्रेशन होती है फ्राम रूरल टू अर्बन एरियाज तो ये कुछ अर्सा के लिए जो भी माइग्रेट हो रहा है अर्बन एरियाज में वो अप, वो अर्बन एरिया में जाके अनएम्प्लॉयड रहता है और ये जो अनएम्प्लॉयड होगा ये बेसिकली वहां पे स्टे करेगा इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ द अर्बन सेक्टर और जब ये अनएम्प्लॉयड यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ अर्बन सेक्टर में अनएम्प्लॉयड स्टे करेगा एज लॉन्ग एज एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू गेट जॉब वेन ही ट्रांसफर वेन ही मूव फ्रॉम अर्बन टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट और यहां पे जो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अर्बन वेज है कि यहां पे जब हम बात करें देयर इज देयर इज लार्ज स्पेल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्पेल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है कि जो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अर्बन वेज है दैट इज ग्रेटर देन द वेज दैट प्रिवेल्स इन द रूरल एरियाज कि इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफी विद द लॉन्ग स्पेल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट

क्या जी अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी हो जाएगी इफ देयर इज समी सब्सिडीज टू द लेबर और वहां पे अगर कोई पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू किए जाए तो इन द अर्बन एरियाज जी इससे कोई अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी तो जो आपके पास मॉडल्स हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन के दे आर वेरी मच पे अबाउट द रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ दिज प्रोग्राम्स और जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज दिस इज अ फंक्शन ऑफ रूरल अर्बन वेज डिफरेंशियल रूरल अर्बन वेजेस में कितना डिफरेंस है और साथ में क्या है कि व्हाट व्हाट आर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दी अर्बन ये जो दो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली डिटरमिन करेंगी माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज अगर आपके पास मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हों तो वो, वो क्या होगा वेन मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर प्रेजेंट इन द अर्बन एरियाज तो ये क्या करेगा इट विल रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इमिजिएटली लेकिन इसके साथ क्या होगा इट विल आल्सो इनकरेज मोर माइग्रेशन के जब आप मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी इन द अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ दोज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इमिजिएटली क्या होगी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा कि इट विल अट्रैक्ट मोर माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज अब जब हम बात करते हैं कि रूरल अर्बन माइग्रेशन की तो हम कह सकते हैं अर्बन एरियाज आर बेसिकली कॉट इन हाई लेवल ऑफ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ट्रैप और ये जो अर्बन एरियाज हैं आपके इस हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ट्रैप में कॉट रहेंगे उस टाइम पीरियड तक जब तक सरप्लस लेबर मार्केट में होगी और ये जब तक आपकी कह लें कि जो आपकी डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं वो आपकी अगर जब तक वो कंसनट्रेट करेंगे ऑन दी अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर तो आपके अर्बन एरियाज इस हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्लिबरम ट्रैप में ही आप कह लें ऑपरेट करेंगे तो अगर मैं अब भी सारे को समराइज कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि मेजर काज ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन इज द एक्सपेक्टेड वेज डिफरेंशियल जितना वेज डिफरेंशियल ज्यादा होगा इन रूरल अर्बन एरियाज वो उतना ही रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेशन को आप कह लें इनहांस करेगा और उसके साथ साथ के जी वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी है वो भी एक रोल प्ले करेगा इन दी इन दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़